अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? आज का कोई ट्यूटोरियल वगैरह नहीं है, ना ही कोई व्लॉग है। जस्ट बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि काशीज़ पे मैं खड़ी हूँ और इतनी मेगा सेल में, यानी कि 50% जो है वो डिस्काउंट है। और यहाँ पे आप रश चेक करें। अच्छा, यहाँ पे हम एंट्रेंस पे जैसे ही एंटर हुए, यहाँ पे इतनी ही कोई लंबी लाइनें लगी हुई थी ना, औरतें जो है ना वो लड़ना शुरू हो गई थी। इतना ही कोई धक्का मुक्की लगकर हम जो है लाइन में लगे हैं। लाइन में इतनी कोई देर बाद जाके हमारा नंबर आया है, उसके बाद भी इतना ही कोई रास्ता अंदर घुसने, जाहिर सी बात है जब एंट्रेंस पे इतना रश था तो ऑफ कोर्स रश होना ही था अंदर। इतना रश होने के बाद हम जो है वो मैंने लेकिन व्लॉग नहीं बनाना छोड़ा, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आप काशीज़ में आ रहे हो और सेल पे, तो भाई बहुत आप लोगों को जो है ना वो आप जो है ना वो खा पी के जो है ना वो तगड़े शगड़े होकर आए हैं इधर, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रश था। और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैंने नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया था। अपने वर्कर को लेकर जो है वो मैं साथ पहुँची थी यहाँ पर काशीज़ पे। अंदर भी जो है ना वो जगह जगह लाइनें लगी हुई थी और इतना रश था, इतना रश था। कोऑपरेटिव तो था स्टाफ जो, नो डाउट, लेकिन इनका स्टाफ बहुत ज़्यादा कम था। जो जहाँ जो इनका मेकअप स्टॉल लगा हुआ था, मेकअप काउंटर था, वहाँ पे जो है ना मे बी हर उस पर जो है ना वो रो लाइन ही लगी हुई थी। ये आपको जो रश नज़र आ रहा है ना अंदर, यहाँ पे जो है ना वो लाइनें ही लगी हुई हैं। यहाँ पर ये मेरी जो है वो ये लड़की है जिसके साथ में गई थी पार्लर में, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे जॉब पर, बड़ा बेटा जो है स्कूल था और छोटे को मैं गई छोड़ के आई थी नानू घर पर। तो यहाँ पर हम तो इतना ही कोई इंतहा वाला रश था ना, मतलब एंड टाइम पर तो बस मेरी बस हो गई थी। मैंने कहा कि बस मैं तो बस दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला बस मैं गिर ना जाऊं, अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं गिरूँ ना, मेरी कभी तबीयत ना ख़राब हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए, बस जैसे तैसे मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रही हूँ। और बस जो है ना वो बहुत ही वाला ज़्यादा वाला रश हो गया था एंड में। और जो हमें हम यहाँ पर खड़े हुए थे, इतने में इतनी ज़ोर से आवाज़ आएंगी, दो दफ़ा आवाज़ आई है, और पता चला कि जो मेन गेट है एंट्रेंस गेट का, एंट्रेंस गेट तो 4-5 जगह जो है पे हर ऊपर थे, लेकिन पता चला कि वहाँ पर जो है एक शीशा वो जो है वो दरवाज़ा टूट गया था, दरवाज़ा गिरा दिया। और तो भाई इतना ना ही कोई रश्ता, लेकिन 50% जो है वो डिस्काउंट तो दिया था। लेकिन उसके साथ साथ जो है काशी भाई, आप जो है अगर आप मेरा ये व्लॉग देखें या ट्यूटोरियल देखें, तो आप जो मैं आप लोगों से जरूर जो है वो एक बात शेयर करूँगी कि आप इस तरह जब डिस्काउंट लगाया करें तो ना, तो इतनी कोई आप अपने साइड से बात, इतना माशाल्लाह आप लोगों का स्टाफ है, तो इतनी कोई इसने सेफ जगह बना दिया करें कि इतनी कोई ना हम लोगों को परेशानी ना हो। और स्टाफ बहुत कम था जब हम जो सामान लेने जा रहे थे, यानी कि समझ लें 25 लाइनें थी, हर उसमें जो है ना वो लाइन लगी हुई थी, तो तकरीबन आप हर बंदा जो है ना वो एक लाइन को देख लेता, मतलब हैंडल जो है वो अच्छे से कर लेता। तो बस हम लोग जो है वो धक्के वक्के खा कर जो है वो हम लोग पहुँचे। तो सही आगे जाके आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि मैंने सामान लिया भी या मैं ही धक्के खा के जो है वो ख्वार होकर आ गए। बस हम लोग, मैं भी लाइन में ही लगी हुई थी, तकरीबन 5 लड़कियों के बाद जो है ना वो हमारा मेरा नंबर आना था। और यहाँ पर बराबर बराबर में जो लाइन लगी थी ना, यहाँ पर इतनी सी भी जो है ना वो जगह नहीं थी बिल्कुल भी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना ही वो रास्ता। अब यहाँ पर जो है कि मैं आपको बैक से जो दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर इस वक्त शीशा टूट गया था। और लड़के जो स्टाफ जो खड़ा हुआ ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था, इतना रश्ता। तो जो इनका स्टाफ है ना, जो इनका जो है रिसेप्शन है ना, वहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हुई थी। भाई बंदा करे तो करे क्या, कुछ सुन तो ले। इनका जो है वो माइक में भी बोल रहे थे लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी, या माइक का कुछ इश्यू था। और यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट की ना जो पे सेल लगी हुई है, ये वाली लिस्ट मेरे पास आ गई थी, तो मैंने उनकी पिक्चर ले ली, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इन्हीं प्रोडक्ट पर जो है वो 80% जो है वो सेल लगी हुई है। ऑल कॉस्मेटिक पर सेल नहीं निकली लगी हुई है, किसी पे जो है वो 10% है, किसी पे 5% है, किसी पे 3%, किसी पे 15%। और जो फाउंडेशन हैं, मैक्सिमम फाउंडेशन पर जो है वो 50% जो है वो डिस्काउंट था। और एंड में ये हुआ कि हम लोगों को जो है वो जब एंड में हमारा नंबर आया, तो भाई इतनी कोई ख्वाह हुई ना, अभी मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा है ना, बस मैं जो सोच रही हूँ कि बस जो मैंने सोचा है और जिसके लिए गई हूँ, इतनी इतना किराया भाड़ा लगा के मैं वहाँ पहुँची थी, बस अल्लाह ताला जो है ना वसूल कर दे और जो है मुझे जो मैं सेल के चक्कर में जो गई थी वो सामान मिल ही जाए। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम बाद गई हूँ क्योंकि मैंने पहले ही सामान जो है ना वो स्टॉक में लाके रखा हुआ था, तो अभी मेरा स्टॉक ख़त्म हुआ है, तो पता चला कि भाई सेल है। और सेल भी मुझे उस जब पता चले, क्योंकि मैं तो आजकल इतना बिजी हूँ, मुझे किसी क्लाइंट ने बताया कि सेल लगी हुई है, तो मैंने कहा मे बी मैं सेल में ही ले रही थी, लेकिन इतना कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना कोई रश होगा, इतना रश होगा, बस इंतहा हो गई थी रश की। तो मेरी जो वर्कर थी वो तो फिर वेटिंग एरिया में जाके बैठ गई थी, और यहाँ पर मैं जो है वो बस मजबूरन बन के जो है वो खड़ी हुई थी, और मेरा बेहाल हो गई थी। मैं यहाँ पर आप चेक करें, मेरे हालात इतने हो गए, मुझे पसीने आ रहे थे,
बस, और मैं पानी की बॉटल भी लेके नहीं गई। मैंने कहा काशीर से बस जल्दी आएंगे और फटाफट से जो है वो हम आ जाएंगे और चले जाएंगे और आ जाएंगे जल्दी फटाफट। लेकिन हमें क्या पता था इतना कोई रश हो जाएगा। मे बी कॉस्मेटिक काशीर का नो डाउट जो है वो बहुत ही आउट क्लास है, हर चीज़ जो है वो अब इनकी जो है वो जितनी जैसी प्राइस हैं और वैसे ही रिजल्ट्स भी मिलते हैं आपको। बहुत ही रिजनेबल प्राइस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर रिजल्ट्स की बात कही जाए या फाउंडेशन की बात की जाए, किसी भी बात की जाए, तो नो डाउट 100% जो है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है हर चीज़ में, ठीक है। और यहाँ पर इतना ही कोई रश लगा हुआ था, मतलब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था ना, इतना कोई रश लग गया था। एंड में जब मेरी बारी आई है, मैं काउंटर पे पहुँची हूँ, तो हुआ ये कि वहाँ की जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसा करें, आप स्लिप बनवा लें 5000 की, और आप में मैं आपको स्लिप बना के देती हूँ डिस्काउंट स्लिप, आप जो है बाद में आके जो है ना वो सामान ले लीजिएगा, और ये जो वैलिड जो है ना ये आपकी स्लिप जो है वो 10 days या 15 days की जो है वो स्लिप होगी। मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करूंगी कि वो कौन से स्लिप थी। फिर मैंने स्लिप बनवाई और फिर हम लोग चल दिए। जाते हुए मैंने ये ज्वेलरी वगैरह जो है विजिट करी, यहाँ पर भी इतना रश्ता, लोग जो है वो जो शॉप वाले थे वो तो अच्छे से दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ फाइनल शेयर कर रही हूँ ये वाली डिस्काउंट स्लिप। तो आई होप सो कि आज का मेरी मेहनत पसंद आई होगी, तो ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग के साथ मेकअप के ट्यूटोरियल हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मैं कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।